हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ जो खाने में भी बढ़िया है और बनाने में भी बहुत आसान होगा। हाँ, चिकन दम बिरयानी। तो चलो देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, इसको अच्छी तरीके से साफ कर दिया है। और हम इसमें सबसे पहले जाएगा नमक। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद जाएगी लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद कांदा लहसुन का जो पाउडर होता है वो, और उसके बाद हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा कलर आने के लिए। और उसके बाद आएगा दही। तो दही मैंने एक पैकेट डाला है, आप चाहे तो हाफ भी डाल सकते हो, हाफ लेमन डाल सकते हो। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने डाला है टर्मेरिक पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, नेक्स्ट मैं लूंगी बिरयानी मसाला, आप कौन सा भी ब्रांड का ले सकते हो जो आपको पसंद हो। और फिर इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, और चिकन मसाला मैंने एवरेज का लिया है, आप कोई भी प्रेफरेंस प्रिफर कर सकते हो। इन सब कुछ डालने के बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिला देंगे। और हमको इसको मैरिनेट करना है 1 आवर के लिए, और अगर आप चाहे तो ओवरनाइट भी कर सकते हो। ओवरनाइट करेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा, ये ऑप्शनल है। मैंने मैगी क्यूब डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर मैगी क्यूब डाल के फिर से मैं मिक्स करूँगी, तो अच्छी तरह से मिला दूँगी। और उसको 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी, क्योंकि मैंने ओवरनाइट मैरिनेशन नहीं किया है, ऑन द स्पॉट मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था। फिर ऐसे रख के नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे ऑनियन, ब्राउन ऑनियन और टमाटो को रोस्ट कर लिया है साथ ही साथ। उसके बाद जो मैरिनेटेड चिकन था वो मैं इसमें डालूँगी, और आपको तेज़ आंच पे इसको अच्छे से भुनना है। जब तक ये कलर चेंज नहीं होता है चिकन का, तब तक आपको भुनना है, ऐसे स्टर करते रहना है। उसके बाद आप एक बार स्टर कर लो, 10 मिनट के लिए रोस्ट कर लो, उसके बाद आप स्लो करके ढक के पका सकते हैं। अब लास्ट में हम इसमें पुदीना और हरा धनिया डालेंगे, 5 मिनट पका के इसको बंद कर देंगे। अब बारी आती है बिरयानी राइस की, तो फिर पहले हम उसको सोक कर लेंगे आधे से एक घंटे के लिए। उसके बाद 1 घंटे के बाद देखिए चावल कैसे हमारे फूक गए हैं। एक पतीला लेंगे, उसमें पानी लेंगे, पानी आपको ज़्यादा लेना है, जैसे कि अगर 1 कप चावल होगा तो आपको 6 कप पानी लेना है। और सब खड़े मसाले जो आपके पास होंगे घर में अवेलेबल वही डालना है, और सब खड़े मसाले डाल के इसमें थोड़ा लौंग, इलायची, काली मिर्च, और फिर नमक डालेंगे। या नमक आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा डालना है ताकि वो चावल में एकदम से घुल जाए। एक बार पानी में बॉयल आने लग जाएगा इस तरह, तो हम जो सोख किया हुआ चावल है वो हम इस पानी में उतारेंगे। धीरे धीरे डालना, क्योंकि पानी आप गर्म पानी आपके हाथ में उछल सकता है। नेक्स्ट आपको ज़्यादा चावल ज़्यादा नहीं पकाना है, 50% से 40% तक जब तक चावल बनता है तब तक आपको इसको खुला बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना है। तो देखिए बॉयल आने लग गया है, तो आपको 5-10 मिनट से आप चेक करते रहिए कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, अगर चावल एकदम कड़क है या फिर थोड़ा सॉफ्ट हो गया। एकदम सॉफ्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ 50% पकाना है। उसके बाद हम पानी को ड्रेन करेंगे इस तरह से। पानी को ड्रेन करने के बाद आप उसको खुला एक पतीले में खुला रख दीजिए ताकि थोड़ा सा सूख जाए। तब तक हम लेयरिंग करेंगे। तो मैंने फर्स्ट लेयर चिकन का ग्रेवी डाला है, आप चाहे तो पहला लेयर राइस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं पहला लेयर चिकन डालूंगी, उसके बाद थोड़े ब्राउन ऑनियंस, पुदीना और हरा धनिया ये डालकर उसका सेकेंड लेयर में चावल डालूंगी। इस तरह से आपको डालना है पुदीना और हरा धनिया। तो अब हम सेकेंड लेयर की तरफ बढ़ते हैं। जो चावल हम लोग ने बॉईल करके पतीले में निकाले थे वो चावल हमको यहाँ पे डालना है। तो मैंने सिर्फ 1 ही लेयर किया है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी होगी ना तो 2 लेयर या फिर 3 लेयर भी कर सकते हैं, डिपेंड आपको कैसा चाहिए। तो मैंने 1 लेयर ही प्रेफर किया है, क्योंकि ज़्यादा चिकन सिर्फ 1 kg था। उसके ऊपर हम डालेंगे ब्राउन ऑनियंस, और फिर जो पहले जो प्रोसेस किया था वही सेम रिपीट करना है हमको।
पुदीना और हरा धनिया डाल के इसमें मैं कोई कलर डालूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डालो नहीं तो लास्ट में जो थोड़ा ग्रेवी बच गया था वो ऊपर से मैं डाल दूंगी और टेस्ट आ जाएगा चावल में। अब बारी आती है दम करने की, तो हम चावल को एक 30 से 45 मिनट्स के लिए रख देंगे दम करने, एकदम से दम हो जाएगा तो उसमें और स्वाद आएगा और जो चावल जो नहीं पके थे ना इस दम में ऑलरेडी पूरे पक जाएंगे। तो ये हमारा चिकन बिरयानी बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।